मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलमकर। आज हम बनाएंगे स्प्राउट। उसके लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है मूंग, लिया हुआ है साबुत, उड़द लिया हुआ है साबुत, काले चने लिए हुए हैं, यहाँ पर हमने काबुली चने लिए हुए हैं इसको बनाने के लिए। तो स्प्राउट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में इनको ऐड करेंगे, इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो सभी को बड़े बड़े बाउल में ट्रांसफर करेंगे। सभी चीजों को पहले अच्छे से हमने साफ कर रखा है, तो अभी ने पीने वाले पानी से 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे सभी को। अब हम इन्हें वॉश कर लेंगे। तो चारों ही चीजों को हमने 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और इन्हें हमने बिल्कुल पानी में अच्छे से भिगो के रख दिया है। एक बड़ा बर्तन लेंगे, उनमें हमें इसको डिप करेंगे, जिससे कि इनको फूलने में काफी स्पेस मिल सके। चारों ही चीजें मैंने एक एक कप ली है। एक कप मैंने चने लिए हुए हैं, एक कप चना लिया हुआ है, एक कप मूंग दाल लिया हुआ है, एक कप ही मैंने उड़द दाल लिया हुआ है। तो इन चारों ही चीज़ों को मैं कवर कर दूंगी और इनको 7 से 8 घंटे के लिए पानी में अच्छे से डिप करके रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। इन्हें हमें बिल्कुल ही अच्छे से फुलाना है। तो सभी दाल को भिगोने के लिए यहाँ पर मैंने बड़े बाउल ले लिए, जिससे कि इनको अच्छे से स्पेस मिल सके फूलने के लिए। इसमें और पानी ऐड कर देंगे, पानी हमें बहुत ही अच्छे से इसमें डिप करना है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके। और पानी ऐड कर देंगे। तो सभी चीज़ों को हमने बड़े बाउल में इसमें ट्रांसफर कर दिया है, इसमें इसको काफ़ी स्पेस मिलेगा फूलने के लिए। तो इनको छोड़ देते हैं पूरी रात के लिए भीगने के लिए। तो इनको कवर कर देंगे एक बार हम। तो दालों को हम एक बार चेक कर लेंगे, हमने इनको पूरी रात के लिए भिगाया हुआ था। सभी को एक बार देख लेंगे। दालें हमारी बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है, ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। तो इनको हम सबसे पहले सभी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को हमने 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने इनको पूरी रात के लिए पानी में डिप करके रखा हुआ था, तो किसी भी तरीके की इसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हमने इसको अच्छे से वॉश किया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इनको काफ़ी बड़े बड़े बर्तन में और काफ़ी ज़्यादा पानी में इनको डिप करके रखा हुआ था। पानी की मात्रा भी हमारी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए इनको सबको भिगोने के लिए, जिससे कि अच्छे से इनको स्पेस मिल सके फूलने के लिए। तो यहाँ पर इन सभी को अंकुरित करने के लिए हम सब अलग अलग ट्रिक का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इन सभी में से एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। तो सभी में से एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है। तो इन सभी को अंकुरित करने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके का एक कंटेनर लेंगे। ये कंटेनर से काफ़ी ऊपर है, इसकी जाली इतनी ऊपर है, तो इसमें अच्छा इसको स्पेस मिलेगा, तो इसीलिए हम इसको इसमें स्प्राउट करेंगे। इसमें नीचे भी जाली है और साइडों में भी इसको एयर मिलती रहेगी। तो एक साइड इसमें हम साबुत मूंग ऐड करेंगे। चने भी ऐड कर देंगे एक साइड। हल्का से इनको फैला देंगे। इसमें ही हम साबुत उड़द ऐड करेंगे। इनको कवर करने के लिए इस तरीके का कोई भी किचन टॉवल ले लेंगे। इसको हम पानी में अच्छे से डिप कर लेंगे पहले। तो किचन टॉवल को हमने पानी में इसको भिगो लिया है अच्छे से, और इसको हमने इस तरीके से हल्का सा निचोड़ दिया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है, क्योंकि अगर हमें बहुत ज़्यादा गीला रखेंगे तो इसको अंकुरित होने में भी
बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये बहुत ही अच्छे से स्प्राउट नहीं हो पाएंगे। तो इसको इस तरीके से कवर कर देंगे और इनको साइड में से भी एयर मिलती रहेगी और नीचे से भी एयर मिलती रहेगी। तो इसको हम लीड लगा देंगे और इनको किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे। एक दिन में ये अच्छे से स्प्राउट हो जाएंगे। तो इसको एक साइड रख देंगे। तो सेकंड मेथड से बनाने के लिए यहाँ पर हम एक इस तरीके का कॉटन का कपड़ा लेंगे, ये किचन का जिसमें हम पनीर वगैरह बनाते हैं ये वो वाला कपड़ा है। तो एक बाउल लेंगे और इसमें इस तरीके से इसको डाल देंगे। थोड़े से इसमें स्प्राउट ऐड करेंगे, इसको हम मिक्स बनाएंगे। चने भी ऐड कर देंगे। इसके अब हमें नोट लगाएंगे, इसमें इसके एक पोटली सी तैयार कर लेंगे। इसको टाइट बांधना है हमें, इसको इस तरीके से करते हुए हम टाइट बांध देंगे। तो पोटली को हमने एक टाइट बांध लिया है, इसमें अच्छे से नोट लगा दिए। तो एक बड़े बाउल में पानी लेंगे और इसको इस तरीके से हल्का सा गीला कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है इसे, हमें इस तरीके से हल्का सा इसको पानी छिड़क देंगे। तो ये भी अच्छे से भीग चुका है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, बट अगर ये हमारा हल्का सा लगता है हमें कि 6 से 7 घंटे बाद हमारा हल्का सा सूख गया है, तो इस पर इस तरीके से पानी छिड़क देंगे हम। तो इसको हम एक कैसरोल लेंगे, उसमें रखेंगे, कैसरोल रख लें और उसमें इसको इसी से कवर कर देंगे बाकी कपड़े से। इसको भी हम किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे। तो थर्ड मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे, ये तो छलनी सभी के घर में होती है। तो इस तरीके से इस छलनी पे हम बाकी के ऐड करेंगे, फैला देंगे हल्का सा इनको। एक साइड हम चनों को ऐड करेंगे, तो इनको भी हम फैला देंगे थोड़ा सा। तो छलनी में हमने सभी चीज़ों को फैला दिया है। इस तरीके के कोई बर्तन लेंगे और इस पर रख देंगे इसको। एक किचन हैंकी लेंगे और इसको भी पानी में अच्छे से डिप कर लेंगे हम। तो इसको भी हम ढक देंगे। तो इसको भी एक प्लेट से कवर कर देंगे, जिससे कि इसमें हल्का सा गर्माहट रहे, क्योंकि इसमें हल्का सा गर्माहट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको नीचे से हवा भी लगती रहेगी और ऊपर से भी इसको हवा मिलेगी, इसलिए यहाँ पर हमने इसके लिए थोड़ी सी प्लेट छोटी का यूज़ किया है। तो इनको भी रख देंगे और इसको एक दिन के लिए पूरा रख देंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से स्प्राउट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तो 24 से 25 घंटे हो चुके हैं जिन दालों को हमने अंकुरित करने के लिए रखा था। तो एक बार इनको चेक कर लेंगे। हमने इस बॉक्स को बिल्कुल भी बीच में एक बार भी नहीं खोला है। वाव, बहुत ही अच्छे अंकुरित हुई है हमारे तीनों ही चीजें। एक बार देख लेंगे अच्छे से, बहुत ही बड़े बड़े। और ये 24 घंटे सिर्फ एक ही दिन में 1 घंटा ऊपर हुआ है, क्योंकि मैं इसको 1 घंटे बाद शूट कर रही हूँ। तो इसको 25 घंटे में बहुत ही अच्छे स्प्राउट हुए, एकदम फर्स्ट क्लास चने हमारे। कोई कोई हुआ है और कोई कोई नहीं हुआ है, लेकिन दालें हमारी बहुत ही अच्छे स्प्राउट हुई। सेकंड मेथड को भी एक बार चेक कर लेंगे। फर्स्ट तो हमारा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकला है, बहुत ही अच्छे एकदम लंबे लंबे स्प्राउट हुए हैं। देख सकते हैं आप वीडियो, बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो सेकंड को भी चेक कर लेंगे। तो सेकंड हमने कैसरोल में रखे थे, एक बार इसको भी देख लेंगे। वाह, बहुत ही बढ़िया, एकदम लाजवाब
बाहर तक स्प्राउट निकल रहे हैं, तो इसको एक बार पोटली को खोल कर देख लेते हैं। नेट को खोल लेंगे। तो ये जो हमने मिक्स करे थे ये बहुत ही बढ़िया हुए हैं, एकदम सेम तरीके से हुए हैं, दोनों ही दोनों की लेंथ एकदम बराबर है, आप देख सकते हैं सेकंड में भी। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बहुत ही बढ़िया हुए हैं। और इस पोटली को हमने कैसरोल से बाहर निकाला है, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है, बहुत ही हिट हो रहे हैं, क्योंकि इनको स्प्राउट होने के लिए मौसम में हमें हल्का सा गर्माहट चाहिए, इसलिए ये बहुत ही बढ़िया हुए हैं। सेकंड मेथड में भी सेम तरीके से हुए हैं हमारे, तो थर्ड को भी एक बार चेक कर लेंगे। थर्ड मेथड में मैंने एक बार इसको 6 से 7 घंटे में इसको एक बार टॉवल को हल्का सा पानी छिड़क कर गीला कर दिया था, तो ये भी बहुत ही बढ़िया हुए हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा भी गीला नहीं करना है, बस इस पर हल्का सा पानी छिड़क देते हैं, जिससे कि पूरी रात में सूखे ना, तो बहुत ही अच्छे से स्प्राउट होंगे। चने हमारे ये बिल्कुल भी नहीं हुए ये वाले चने, और ये ब्लैक वाले चने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हुए हैं, फर्स्ट क्लास एकदम। ये भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया स्प्राउट हुए हैं। तो इनको सभी को हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो सभी को मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है, बहुत ही बढ़िया अंकुरित हुए हैं हमारे ये। तो यहाँ पर इनको हमने तीनों ही मेथड से आपको बताया है, लेकिन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों में सेम देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम तरीके से, जो भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको अंकुरित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनको सभी को किचन काउंटर पर छोड़ दिया था। तो दालों को अंकुरित करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मौसम भी डिपेंड करता है, मैंने इनको सितंबर में किया है, तो इसीलिए मैंने इनको किचन काउंटर पे छोड़ दिया था। अगर आप इनको विंटर में करते हैं तो आप किसी भी बॉक्स में बंद करके रख सकते हैं, बहुत ही जल्दी होंगे ये भी। तो आपने देखा कि बिल्कुल 24 घंटे में ये बहुत ही बढ़िया हुए स्प्राउट हुए हैं हमारे। बस हमें ध्यान रखना है इनको अंकुरित करने से पहले हमें इन्हें बहुत ज़्यादा ना तो हमें इन्हें बहुत ज़्यादा पानी में छोड़ना है, और ना ही बहुत ज़्यादा हमें इसे टॉवल को गीला करना है बार बार, बस एक बार इसको हल्का सा लगता है आपको, अगर आप इसको गर्मियों में बना रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका टॉवल 2 से 3 या 4-5 घंटे बाद भी इसको सूख गया है, तो हल्का सा इसके ऊपर बस पानी छिड़क दें आप, ये बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। बस हमें इन्हें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डिप करना है इनको अंकुरित करने के लिए। तो आप इन दालों को अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर यूज़ करें, थोड़ा थोड़ा भी आप इनको अगर हल्का सा नमक और हल्का सा नींबू डालकर भी खाएंगे, तो डाइट के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अंकुरित दालों में कितने पौष्टिक तत्व होते हैं, तो आप इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आप इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको हल्का सा बॉईल करके भी नमक और नींबू डालकर खा सकते हैं। आप ये खाने में वैसे भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं अगर कच्चे भी आप इनको खाएंगे, बट इन्हें बहुत ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल करने से इनके पौष्टिक तत्व जो है वो खत्म हो जाते हैं, इसीलिए हमें जब भी बॉईल करना है, अगर आप इसको बॉईल करके खाना चाहते हैं, तो इसमें बस सिर्फ 1/2 कप ही पानी यूज़ करें बॉईल करने में, बहुत ज़्यादा पानी भी इसमें नहीं ऐड करना है बॉईल करने में। आप इन्हें सैलेड में भी खा सकते हैं, आप इसे चिल्ला भी बना सकते हैं, आप इसके चाहें तो पकौड़िया भी बना सकते हैं, आप इसके कटलेट भी तैयार कर सकते हैं, जैसे भी आप खाना चाहें, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर हमने तीनों ही मेथड से आपको दालों को अंकुरित करना सिखाया, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। आप दालों को इस तरीके से अंकुरित करके रख लें फ्रिज में, आप इनको 6 से 7 दिन तक भी ये ख़राब नहीं होंगे, जब भी आप इनको खाने का मन हो तो थोड़ा थोड़ा सा खा सकते हैं।